आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। राप्ती नदी के रामघाट तट पर नहाने गए 5 लड़के डूबे। स्थानीय नागरिकों और SDRF ने 4 लोगों की बचाई जान। एक लापता नहीं मिला शव। तलाश पे जुटी SDRF की टीम। बासगांव और गोला क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांवों का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। बाढ़ प्रभावित गांवों के लोगों में किया राहत सामग्री का वितरण। पशु चिकित्सा अधिकारी के अनुपस्थिति पर मांगा स्पष्टीकरण। राप्ती, रोहिन और घाघरा ने दिखाया रौद्र रूप। निचले इलाकों में घुसा पानी, दहशत में लोग। बंधे पर लिया परिवार और पालतू जानवरों सहित शरण। ट्यूब का नाव बनाकर कर रहे हैं इस्तेमाल। आपदा विशेषज्ञ ने कहा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कोलिया में 1 या 2 दिन के भीतर होगा राहत सामग्री का वितरण। साइबर क्राइम से बचाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया 155-260 हेल्पलाइन नंबर। यूपी में 112 नंबर को भी किया गया अटैच। साइबर क्राइम की घटना पर तत्काल होगी कार्रवाई। लोग उठा सकते हैं हेल्पलाइन नंबर का लाभ। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर प्रदेश सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने दवा विक्रेताओं को पत्र जारी करके कोविड दवाओं के भंडारण की मांगी जानकारी। दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष ने कहा जनपद में कोविड दवाओं की भरपूर है मात्रा। तीसरी लहर से निपटने को हम हैं तैयार। गोरखपुर में सोमवार को मिले 2 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,391। अब तक 848 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके अपनी जान। 15 हुए एक्टिव मरीज। CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। ऑपरेशन ब्रजपात के तहत बासगांव पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त जयनाथ यादव को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। फोरलेन सड़क के अंतर्गत आने के कारण विस्थापित राजेंद्र नगर स्थित चिरकुटवा बाबा मंदिर के नव निर्माण का महापौर ने किया शिलान्यास। कहा आस्था व श्रद्धा के केंद्र है चिरकुटवा बाबा। सोमवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के 57 केंद्रों पर 14,754 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 11,605 लोग और सेकेंड डोज लेने वालों में 3,149 लोग रहे शामिल। एडिशनल CMO ने कहा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए करवाएं वैक्सीनेशन। ऑपरेशन ब्रजपात के तहत बासगांव पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त राम दरश उर्फ रामदास यादव को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। मुबारक खान शहीद एजुकेशनल फाउंडेशन व इमाम चौक मुतवल्ली एक्शन कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में संगोष्ठी का किया गया आयोजन। वक्ताओं ने दिया इंसानियत पर बल। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा अंडर 23 का ट्रायल हुआ संपन्न। सेलेक्टर ने कहा सोमवार को हुए ट्रायल के आधार पर खिलाड़ियों का होगा चयन। और जनपद की 3 नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से प्रभावित हुए जिले के 131 गांव। बाढ़ चौकियों को किया गया अलर्ट। एडीएम फाइनेंस ने कहा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किया जा रहा है राशन सामग्री का वितरण। स्थिति सामान्य।